भारत ने बंगाल की खाड़ी में पानी के नीचे स्थित प्लेटफॉर्म से परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम यह मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी की मारक क्षमता से लैस है। अंडरवाटर श्रेणी में यह पहली मिसाइल है जिसका विकास पूर्ण रूप से भारत की ओर से किया गया है। इससे पहले भारत जमीन और आकाश से ही परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को दागने में सक्षम था। इस मिसाइल परीक्षण के साथ भारत अब जमीन, हवा और समुद्र तीनों से मिसाइल दागने में सक्षम हो गया है। We are very excited because it gives us the capability to launch missiles from underwater, plus a major technology breakthrough as far as DRDO is concerned, because it completes a major milestone in the development profile of Defense Research and Development Organization. As a nation, we get the capability and the technology to launch missiles from under the water, and that is a strategic requirement. K-5 ballistic missile को BO-5 के नाम से भी जाना जाता है। इसका विकास DRDO के हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने किया है। भारत ने K-5 नाम के इस मिसाइल का 10 से ज्यादा परीक्षण किया है और यह परीक्षण K-5 मिसाइल का आखिरी परीक्षण था। K-5 पनडुब्बी से छोड़े जाने वाली मिसाइल है। पानी के अंदर से मिसाइल छोड़ने की क्षमता अब तक रूस, अमेरिका, चीन और फ्रांस के पास थी। इस परीक्षण के साथ भारत भी इस समूह में शामिल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।